नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या NIOS DLED TET 2019-20 और सुपर टेट के लिए मान्य है या नहीं है। इस जानकारी को देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि CTET 2019 की जो गाइडलाइन आई थी उसमें यह साफ साफ बताया गया था कि वह लोग CTET 2019 के लिए वैलिड होंगे जिनके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स तथा साथ में उन्होंने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा हो। इस हिसाब से NIOS DLED के सभी कैंडिडेट इसके लिए वैलिड हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी साफ साफ बताया गया था कि यदि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर का एग्जाम भी दे रहे हैं तब भी आप CTET 2019 के लिए वैलिड होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार CTET 2019 की गाइडलाइन के हिसाब से सभी NIOS DLED के छात्र इसमें वैलिड हैं, ठीक उसी प्रकार से TET में भी सभी NIOS DLED के छात्र मान्य होंगे, क्योंकि इसकी गाइडलाइन में भी आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स और साथ में आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा हो। इसलिए आप निश्चिंत होकर TET 2019-20 की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसकी डेट की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, 18 नवंबर 2019 रखी गई है TET एग्जाम की डेट और सुपर टेट जनवरी 2020 की स्टार्टिंग में होगा, जिसमें 55,000 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती की जाएगी। अभी नई शिक्षा नीति के सुझाव के आने के बाद इसमें क्या फेरबदल होते हैं यह देखना बाकी है, लेकिन यह सभी फैसले NIOS DLED छात्रों के हित में ही होंगे। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।